हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और मैं हूँ भरगेन का शेफ। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाया हूँ जिसका नाम है केरेमल कस्टर्ड। आज मैं आपको बताऊँगा केरेमल कस्टर्ड कैसे बनाएं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बस आपने मेरा वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, केरेमल कस्टर्ड बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा डेजर्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान रेसिपी में केरेमल कस्टर्ड कैसे बनाएं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब मैं आपको केरेमल कस्टर्ड का मीजा दिखाता हूं। केरेमल कस्टर्ड बनाने के लिए हमको दूध, शुगर, अंडे, वेनिला एसेंस और नींबू, इन चीज़ों की ज़रूरत है हमें केरेमल कस्टर्ड बनाने के लिए। मैं सबसे पहले दूध बॉयल करूँगा। अब मैं दूध बॉयल करता हूँ। दोस्तों, आपने दूध इसमें बॉल में डाल देना है, सॉस पैन में। ये देखिए दोस्तों, दूध सॉस पैन में डालने के बाद आप इसमें 500 ग्राम दूध में 100 ग्राम चीनी डालें। ज़्यादा मीठा ना करें। अब चीनी डाल के दूध आपने एक बार उबाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, अब मेरा दूध उबलने लगा है। अब मैं गैस बंद कर दूंगा और इसको मैं एक बॉल में निकाल लूँगा। इस तरीके से आप एक बॉल में निकाल लें और इसको ठंडा कर लें। दोस्तों, दूध उबाल के मैंने एक बॉल में डाल दिया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगा। अब मैं केरेमल कस्टर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो उसके नीचे का केरेमल होता है, अब मैं आपको वो केरेमल बनाना बताऊंगा। केरेमल शुगर करने के लिए आपको एक ऐसा नॉन स्टिक पैन की ज़रूरत है। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप स्टील में या फिर फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। आप ऐसा एक पैन ले लें और आप गैस चालू कर देंगे। गैस चालू करने के बाद इसमें आपने होल शुगर लेना है, साबुत चीनी लें। ये चीनी पैन में डालने के बाद आपने इसको धीरे धीरे इस तरीके से मिक्स करना है और गैस भी स्लो होना चाहिए। और जिस बॉल में आपने डालना है केरेमल करके, वो बॉल रेडी होना चाहिए और इसमें पानी ना हो, आप ध्यान रखें। अगर पानी है तो इसको पोंछ लें। केरेमल कस्टर्ड का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपने शुगर केरेमलाइज करने में बहुत ही ध्यान देना है, काला ना कर दें। ये देखिए दोस्तों, शुगर मेल्ट होने लगी है, कलर भी आ जाएगा। आपने हल्का ब्राउन कलर लेना है। ये देखिए इस तरीके से जब ये मेल्ट हो जाएगी तब आप इसमें नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ के आप इसको अच्छे से मिक्स करें। देखिए इसका कलर बहुत ही प्यारा हो जाएगा, एकदम डिफरेंट कलर हो जाएगा। आपने नींबू ज़रूर निचोड़ना है। जो लोग नींबू नहीं निचोड़ते हैं उनका एकदम काला हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर हो गया। उसके बाद आपने ऐसे मोल्ड में डाल देना है। ये देखिए ऐसे हिला दें आप। ये देखिए अब ये चारों तरफ हो जाएगा। इस तरीके से आपने बनाना है। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया। अब मैं इसको साइड में रख दूंगा ठंडा करने के लिए। और जो मेरे ये एग हैं, मैं इसको एग तोड़ लूँगा एक बॉल में। इस तरीके से आप बॉल में एग तोड़ लें। 500 ग्राम दूध, 100 ग्राम चीनी और 5 अंडे आपने लेने हैं। और इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आप फेंट लें। ये फेंटने के बाद आपने दूध में डाल देना है। ये जो हमारा दूध रेडी है, मैं इसमें डाल दूंगा। दूध में डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। ये देखिए मिक्स करने के बाद आप इसको छान लें पहले। अब मैं इसको छान लूँगा। इस तरीके से आपने छान लेना है। दोस्तों, मैंने दूध छान लिया है। अब मैं इस बॉल में दूध को डाल दूंगा। आप इस तरीके से डाल दें। ये देखिए ऐसे डालने के बाद आपने इसको एक ऐसी ट्रे में रखना है। इस ट्रे के अंदर रख दें। ये देखिए ट्रे के अंदर रखने के बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। ट्रे में इस तरीके से पानी भर दें, क्योंकि हमने डबल बॉयलर में पकाना रहता है। अब मैं आपको बेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने दूध बॉल में डाल दिया है और ट्रे में भी रख दिया है बॉल को, उसमें पानी भी भर दिया है। अब मैं आपको बेक करके दिखाता हूँ। बेक करने के लिए नीचे का टेम्परेचर 250 और ऊपर का 200 होना चाहिए, 200। अब मैं आपको ओवन में डाल के दिखाता हूँ। आपने इस तरीके से दोनों हाथ से अच्छे से होल्ड करना है। ये देखिए और ऐसे ओवन में डाल दें और इसको कम से कम 45 मिनट पकाएं। मैं 45 मिनट के बाद आपको निकाल के दिखाता हूँ। दोस्तों, 45 मिनट हो चुका है। अब मैं आपको केरेमल कस्टर्ड निकाल के दिखाऊंगा।
और एक इम्पोर्टेंट बात, आपने 45 मिनट का इंतज़ार नहीं करना है, आप बीच में एक बार चेक कर लें, अगर आपका 45 मिनट में नहीं हुआ तो आप थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 45 मिनट में ही आपने निकालना है, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, नहीं हुआ तो थोड़ा टाइम बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं आपको निकाल के दिखा, इस तरीके से आपने निकालना है। और दोस्तों ध्यान से निकालें क्योंकि इसमें पानी होता है, आप अच्छे से कपड़ा लें और ऐसे अच्छे से होल्ड करें, इस तरीके से निकालें। ये देखिए ये हो चुका है, जब ये हो जाएगा तो इसे साइड छोड़ देगा। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगा, इस तरीके से आप बाहर निकाल लें और इसको ठंडा कर लें। दोस्तों अब मेरा कैरेमल कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, अब मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाऊंगा। आपने ऐसा एक नाइफ लेना है और नाइफ इसे चारों तरफ, ये देखिए इस तरीके से आप घुमा दें इसको, इस तरीके से आपने नाइफ चारों तरफ घुमा देना है। उसके बाद आप जिस मोल्ड में या प्लेट में रहेंगे उसको इस तरीके से रखना है, ये देखिए ऐसे, और ऐसे आप घुमा दें इस तरीके से, ऐसे आपने घुमा देना है। और ये देखो मोल्ड ऐसे निकाल लें आप, ये देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कलर आया है। कैरेमल कस्टर्ड की एक खास बात होती है जो अच्छा बेहतरीन बनता है, ये इस तरीके से जाली पड़ जाती है, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन हुआ है। दोस्तों आज मैं आपके लिए कैरेमल कस्टर्ड लेके आया, बहुत ही आसान रेसिपी में मैंने आपको बताया कैरेमल कस्टर्ड आप कैसे बना सकते हैं। मैं ऐसे ही आपके लिए एक से एक वीडियो लाऊंगा, बस आपने मेरा वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए